हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। सो आज की जो वीडियो स्पेशली बॉयज़ के लिए है, जितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स हैं स्पेशली उनके लिए भी है, कि आजकल का एक ट्रेंड हो गया है, लड़के भी लंबे बाल रखने लग गए हैं, लड़के भी अपने बालों को लड़कियों की तरह इनफेक्ट रखने लग गए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, गर्ल्स के जो बाल होते हैं, हम कैसे भी जूड़ा बना के अपने बालों में क्लेक्चर लगा के बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने बालों के अलग अलग हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अनॉइंग नहीं लगते। बट बॉयज़ को उस चीज़ को मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो कई बार अनॉय फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो अपने बालों के लिए जेल यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ जेल ऐसे होते हैं जिसकी यूज़ करने से बाल ना जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं या ब्राउनिश हो जाते हैं, आपका बाल डैमेज हो जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन के लिए मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया है, इनफैक्ट मेरा ब्रदर इसको यूज़ करता है, मेरा बड़ा भाई है वो भी इसको यूज़ करता है, एंड उसी ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यही रीज़न है कि मैं इसको आप लोगों से के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक्चुअल में है गेट्स बाय स्टाइलिंग वैक्स। ये बालों को सेट करने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, एंड ये पूरा दिन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगाया फिर दो तीन घंटे बाद आपको फिर बाल पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सुबह इसको अप्लाई करते हैं तो रात तक ये ऐसे ही रहेगा, आप जब तक इसको वॉश नहीं करोगे ये ऐसे परफेक्टली रहेगा। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी हेयर स्टाइलिंग है, चाहे वो आपको स्ट्रेट हेयर्स रखने हैं या साइड में रखना है, जैसे भी आपको करना है, आप ईजिली उसको मेंटेन कर सकते हैं। जेल वगैरह से कई बार ऐसा होता है कि आपके हेयर्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इससे आपके हेयर डैमेज नहीं होगा एंड जेल से जल्दी बाल सफ़ेद होते हैं, तो इससे भी वो भी इशू नहीं होगा। यही रीज़न है कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये गेट्स बाय का स्टाइलिंग वैक्स है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, ये इस तरह के पैकेज में आता है, छोटी सी डिब्बी है एंड इसमें ग्राम्स तो नहीं लिखा है शायद कितने ग्राम्स के, बट हाँ ये है कि ये आपको ईजिली 70 रुपीज़ में मिल जाएगी, 25 ग्राम्स की है इस पर लिखा है, नेट वेट इसका 25 ग्राम्स है एंड ये 70 रुपीज़ की है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगी इजीली एंड आप इसको बाय कर सकते हैं। कॉस्मेटिक शॉप पे भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप पे अगर ना मिले तो केमिस्ट पे डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड ये ऐसे स्लाइड करके ओपन करिए एंड इसका कवर मिलता है ताकि ये ख़राब ना हो, सूखे ना, एंड अंदर से इस तरह का ये क्रीमी होता है। जैसे ही आप इसको बालों में अप्लाई करेंगे ये हाइड हो जाएगा, वाइटनेस नहीं रहेगी कि आपको लगे कहीं वाइट वाइट दिखेगा, नहीं, ये बालों में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड जिस शेप में आप रखेंगे ऑल डे ये वैसे ही रहेगा। एंड इसका साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से तो नहीं है जितने जेल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आई डोंट थिंक कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनफेक्ट होंगे भी नहीं। एंड जेल से मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यही रीज़न है कि मैं जेल जो भी बॉयज़ यूज़ करते हैं मैं उस चीज़ को मतलब सपोर्ट नहीं करती हूँ। यही रीज़न है मैं वैक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ एंड आप इसको बाय करिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 70 रुपीज़ का ही है एंड ये काफ़ी अच्छा है, मेरे ब्रदर इसको रेगुलर यूज़ करता है। यही रीज़न है कि मैं आपसे इसको शेयर कर रही हूँ एंड आप इसको यूज़ करिए एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, बुरा लगे तब भी कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया क्योंकि मेरा ब्रदर तो यहीं लोकल मार्केट से ले लेता है, अगर पॉसिबल हुआ एंड ऑनलाइन मैं फिर इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।